गुड मॉर्निंग एवरी वन. इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस चैप्टर नंबर फर्स्ट वी शैल ओवर कम. अभी कंटिन्यू अपन क्या शुरू कर रहे हैं. प्रीवियस क्लासेस में अपने क्या पढ़ा, चैप्टर नंबर फर्स्ट को रीड किया, जिसमें अपन ने कौन सा रीड कर रहे हैं, वी शैल ओवर कम रीड कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा दिया है, सेकेंड पैराग्राफ रीड किया, थर्ड पैराग्राफ भी रीड करवा दिया है. देखो फर्स्ट पैराग्राफ में अपन ने क्या पढ़ा था, कुछ प्रीवियस क्लास का रिपीट भी वापस कर लेते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर अपन ने पढ़ा था हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, सारा उसने बताया, मैंने आपको बताया था. फिर सेकंड पैराग्राफ में मैंने ये बताया आपको कि वी वॉक हैंड इन हैंड, वी वॉक हैंड इन हैंड, हम क्या चलेंगे, साथ में चलेंगे, क्या करेंगे, हाथ क्या करेंगे, पूरी दुनिया क्या करेंगे, साथ में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे. थर्ड पैराग्राफ में अपन ने पढ़ा था वी आर नॉट अफ्रेड, हमें किसी भी चीज़ से डर नहीं है, हमें किसी भी चीज़ से नहीं डरना है, ये पढ़ा था अपन. आज अपन पढ़ेंगे फोर्थ वाला पैराग्राफ. फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ में आपको करवाऊंगी इस चैप्टर के, उसके बाद में आज इसके कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे. जो क्वेश्चन आंसर आज अपन डिस्कशन करेंगे वो आपको नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना, और मैं जो वर्ड मीनिंग करवा रही हूँ वो भी आपको नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना. जो मैं पैराग्राफ लिखती हूँ वो आपको केवल समझाना है और अच्छे से याद करते हुए चलना. जो वर्ड मीनिंग करवा रहे हैं उनको अच्छे से आप याद करो और नोटबुक के अंदर राइट करो, और जो क्वेश्चन आंसर करा रही है वो भी नोटबुक के अंदर आपको राइट डाउन करना है. पहले आज अपन पैराग्राफ समझेंगे, फोर्थ और फिफ्थ वाला पैराग्राफ, उसके बाद में मैं आपको वर्ड मीनिंग करवाऊंगी जो फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ के हैं, और फिर आज अपन क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कशन करेंगे. देखो फोर्थ पैराग्राफ क्या कह रहा है, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रुथ शेल मेक अस फ्री, जो हमें सत्य है ना वो क्या करता है, फ्री स्टेट में लाता है. ट्रूथ का मीन्स क्या होता है, सत्य, क्या होता है, सत्य. द ट्रूथ शेल मेक अस फ्री, जो सत्य है वो क्या करता है, एकदम फ्री अवस्था में होता है. देखो वापस थर्ड लाइन क्या कह रही है, द ट्रूथ शेल मेक अस फ्री समडे, एक दिन हमें जो सत्य है वो क्या करेगा, एकदम मुक्त अवस्था में लाएगा. फ्री का मतलब क्या होता है, फ्री, फ्री का मतलब क्या होता है, एकदम मुक्त अवस्था में आना. ओ डीप इन माय हार्ट आई डू बिलीव, उसे क्या है, मन में अच्छे से क्या है, विश्वास है. द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे, उसे मन में पूरे अच्छे से क्या है, विश्वास है कि एक दिन सत्य उसे क्या करेगा, एकदम मुक्त अवस्था में लाएगा, फ्री स्टेट में लेके आएगा. देखो मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखती हूँ और वापस से एक्सप्लेन करती हूँ. देखो मेरे साथ साथ में आप भी बोलना, फिर मेरे साथ साथ में भी आप भी रीड करना. द ट्रूथ शैल, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, वापस क्या है, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, यही है सेकंड लाइन. मेरे साथ साथ में बच्चों रिपीट करो आप भी, फिर वापस थर्ड लाइन क्या है, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे. फिर फोर्थ लाइन क्या है, ओ डीप इन माय हार्ट आई डू बिलीव, ओ डीप इन माय हार्ट आई डू बिलीव. लास्ट लाइन क्या है, वी शैल ओवरकम, क्या है, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे. देखो बच्चों मेरे साथ साथ में एक एक वर्ड को बोलो, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री. ट्रूथ का मतलब क्या होता है, सत्य, क्या होता है बच्चों, सत्य, क्या होता है बच्चों, मेरे साथ साथ में बोलो, सत्य. एक दिन क्या होगा, हमें सत्य क्या करेगा, एकदम फ्री अवस्था में लाएगा. मुक्त, फ्री का मतलब क्या होता है, मुक्त अवस्था में, क्या बोल सकते हैं, फ्री का मतलब होता है मुक्त या इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, क्या होता है, स्वतंत्र. एक दिन हमें सत्य क्या करेगा, फ्री अवस्था में लेके आएगा. सेकेंड लाइन क्या, देखो द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, वापस सेकेंड लाइन देखो क्या है, हमें सत्य क्या करेगा, एकदम फ्री अवस्था में लेके आएगा, एकदम मुक्त अवस्था में लेके आएगा.
द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे। समडे का मतलब आप सभी को मालूम होगा वन डे होता है, वो क्या बोला, एक दिन ज़रूर है कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब हम सभी क्या होंगे, फ्री होंगे। सत्य क्या करेगा, हमें एक दिन जीत दिलाएगा। ज़रूर वो पॉइंट क्या बोलना चाहता है कि सत्य हमें क्या दिलाएगा, जीत दिलाएगा। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, वो क्या बोल रहा है, उसे क्या है मन में अच्छे से क्या है, विश्वास है। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि एक दिन जो सत्य है वो हमेशा, एक दिन ज़रूर ऐसा दिन आएगा जब हमें सत्य क्या करवाएगा, जीत दिलवाएगा। लास्ट देखो उसमें पॉइंट क्या कहा जाता है, द पॉइंट से डैट ए डे विल कम व्हेन ऑल पीपल वुड नाउ व्हाट इज ट्रूथ। इस पैराग्राफ से पॉइंट यही कहना चाहता है कि एक दिन पूरी दुनिया जान जाएगी कि सत्य क्या है, ट्रूथ का मीन्स क्या होता है, सत्य। एंड दिस ट्रूथ वुड मेक अस फ्री फ्रॉम ऑल इल्यूजन्स। इल्यूजन्स का मीन्स क्या होता है, इल्यूजन्स, इसमें एक आपके वर्ड आया इल्यूजन्स, इल्यूजन्स का मतलब होता है जितने भी मोह माया होती है उन सभी से वो क्या दिलवाएगा, फ्री दिलवाएगा। क्योंकि इसके अंदर वर्ड क्या आया है, इल्यूजन्स, क्या आया है, इल्यूजन्स। इल्यूजन्स का मतलब होता है मोह माया जितनी भी होती है उन सभी को क्या करेगा, ये दूर करेगा। देखो पॉइंट इस पैराग्राफ से यही कहना चाहता है कि एक दिन समय ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया जान जाएगी कि सत्य क्या है, और जब पूरा दुनिया जान लेगी ना सत्य क्या है, तो पूरी दुनिया एकदम इल्यूजन्स होते हैं ना जो मोह माया से, उन सभी से क्या हो जाएगी, पूरी तरह से फ्री हो जाएगी। यही फोर्थ पैराग्राफ है अपना, और इस फोर्थ पैराग्राफ के वर्ड मीनिंग्स मैं ब्लैक बोर्ड में लिखवा रही हूँ, और वो वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं। आई होप आप फोर्थ पैराग्राफ को अच्छे से समझ गए होंगे। वापस देखो ब्लैक बोर्ड पर मैं इसके वर्ड मीनिंग्स करवा रही हूँ, नोटबुक ओपन करके मेरे साथ साथ में लिखते जाना। देखो फर्स्ट वर्ड मीनिंग क्या है, फर्स्ट वर्ड मीनिंग है, देखो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है ट्रूथ, ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब इसके अंदर गया है फैक्ट, फैक्ट का मतलब होता है तथ्य बोल सकते हैं, फैक्ट का मीन्स क्या होता है, तथ्य या सत्य बोल सकते हो। सेकंड है अपने पास में फ्री, फ्री का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता, क्या होता है, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट, क्या है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्रता। थर्ड क्या है अपने पास में वर्ड मीनिंग, थर्ड वर्ड मीनिंग है अस, अस का मतलब होता है वी ऑल, वी ऑल का मतलब होता है सभी, क्या होता है, हम सभी, वी ऑल का मतलब क्या होता है, हम सभी। वर्ड मीनिंग्स मेरे साथ साथ वापस बोलो, ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब होता है सत्य, सत्य का मतलब इसके अंदर दे रहता है फैक्ट, फैक्ट मतलब जो तथ्य होते हैं ना वो, उन्हीं के आधार पर ये पॉइंट क्या देना जाता है कि एक दिन दुनिया में ऐसा समय आएगा जिसे सभी को मालूम चल जाएगा कि सत्य क्या है और गलत क्या है। जब एक दिन दुनिया को मालूम चल जाएगा कि सत्य क्या है, तो सारे जने क्या करेंगे, जितनी भी मोह माया उनको छोड़ के सभी क्या करेंगे, सत्य को जानेंगे, और सारे क्या हो जाएंगे, फ्री अवस्था में हो जाएंगे। फ्री, फ्री का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्रता, क्या होता है, स्वतंत्रता। थर्ड है अस, अस का मतलब होता है वी ऑल, वी ऑल का मतलब होता है हम सब। अब देखो फिफ्थ पैराग्राफ, फिफ्थ पैराग्राफ रीड करती हूँ फिर ब्लैक बोर्ड पर लिख के बताऊँगी। वी शैल लिव इन पीस, पीस का मतलब क्या होता है, शांति, क्या होता है, शांति। वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस सम डे, ओ डीप इन माई हार्ट आई Do believe we shall live peace in someday. Peace का मतलब मैंने आप सभी को बताया, peace का मतलब क्या होता है, शांति। अब देखो blackboard पे लिखती हूँ मैं फोर्थ फिफ्थ पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है, मैं बार बार बता रही हूँ पैराग्राफ नहीं लिखना है बच्चों, आपको केवल वर्ड मीनिंग्स राइट डाउन करना है, और जो मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी वो भी आपको राइट डाउन नोटबुक के अंदर करना है। बस आप पैराग्राफ को अच्छे से समझो, बस समझने का काम पैराग्राफ का है, बाकी आपको वर्ड मीनिंग्स अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है। वी शैल लिव इन पीस, आगे देखो उसकी लाइन दे रखी है, वी शैल लिव इन पीस,
आगे देखो सेकेंड लाइन क्या दे रखी है, वी शैल लिव इन समडे, वी शैल लिव इन पीस समडे। आगे क्या लाइन है इसकी, फोर्थ लाइन, ओ डीप इन माय हार्ट आई डू बिलीव। फोर्थ लाइन देखो क्या है, वी शैल लिव इन, वी शैल लिव इन पीस सम डे। देखो क्या कह रहा है फिफ्थ पैराग्राफ मेरे साथ साथ में, पहले एक बार पूरा पैराग्राफ को अच्छे से रीड करूँ। वी शैल लिव इन पीस, पीस का मतलब क्या होता है, शांति, क्या होता है, शांति, पीस का मीन्स होता है शांति। आगे देखो लाइन है, वी शैल लिव इन पीस। देखो फर्स्ट लाइन में क्या कहना चाहता है पॉइंट, फर्स्ट लाइन में पॉइंट यही कहना चाहता है कि हम सभी क्या रहेंगे, हम शांति में रहेंगे। पॉइंट यही कहना चाहता है कि हम शांति में रहेंगे। सेकेंड लाइन देखो, वी शैल लिव इन पीस समडे, एक दिन ऐसा दिन आएगा जब हम सभी क्या रहेंगे, शांति में रहेंगे। थर्ड लाइन वही है, सभी पैराग्राफ की सेम है, जो ओ डीप इन माय हार्ट आई डू बिलीव। वो क्या बोलता है, उससे क्या है, मन में पूरी तरह से क्या है, विश्वास है कि एक दिन ज़रूर ऐसा दिन आएगा जब हम सभी क्या रहेंगे, शांति के अंदर रहेंगे। पीस का मीन्स मैंने आप सभी को बताया क्या होता है, शांति। लास्ट लाइन भी यही कहना चाहती है, वी शैल लिव इन पीस समडे, एक दिन ऐसा दिन आएगा जब अपन सभी क्या रहेंगे, शांति के अंदर जी सकेंगे। सब भी क्या रहेंगे, आराम से शांति से रहेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, जितनी भी उनके बीच में है वो सारी चीज़ों को क्या करेंगे, वो समाप्त करेंगे। अब देखो इसमें लास्ट लाइन में पॉइंट क्या कहना चाहता है, द पॉइंट सेज डैट ही हैज फर्म बिलीव डैट ए डे विल कम ऑल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, जितने भी द्वेष की भावनाएं होती हैं उन्हीं को सभी क्या करेंगे, समाप्त करें। जितनी भी लड़ाई झगड़ा होता है वो क्या करेंगे, सभी को समाप्त करेंगे। एक इसके अंदर वर्ड आया है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, क्या होता है, लड़ाई झगड़ा बोल सकते हैं या द्वेष की भावना बोल सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट का मतलब। फिर आगे देखो क्या कहना चाह रहा है, अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड विल एंड एंड ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड विल एंजॉय द पीसफुल स्टेट। देखो इस पैराग्राफ से पॉइंट अपन को यही समझाना चाहता है कि जितनी भी लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, जितनी भी लोगों के बीच में क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है, लोग उसको क्या करेंगे, समाप्त करेंगे और एकदम सभी क्या आ जाएंगे, फ्री अवस्था में, मतलब पीसफुल शांति की अवस्था में सब आगे बढ़ते जाएंगे। देखो पॉइंट हर एक पैराग्राफ से कुछ ना कुछ अपन को क्या दे रहा है, संदेश देना जा रहा है, कुछ ना कुछ मैसेज प्रोवाइड कर रहा है कि ये मैसेज आपको करना चाहिए। लोग क्या, वो क्या पहले पैराग्राफ में उसने बताया कि हम होंगे कामयाब, जितनी भी लोगों के बीच में मुश्किल आती है लोग उनको समाप्त करके क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सेकंड पैराग्राफ से पॉइंट यही समझाया पॉइंट ने कि हम क्या करेंगे, सब हाथ में हाथ डाल के सभी साथ में आगे बढ़ते हुए जाएंगे, लोगों के बीच में जितनी भी द्वेष की भावना वो सभी को समाप्त करेंगे। थर्ड वो क्या कहना चाहता है, आपको किसी भी चीज़ से नहीं डरना चाहिए, वी आर नॉट अफ्रेड। उसने यही पॉइंट ने समझाया, हर एक पैराग्राफ में उसने मैसेज दिया, थर्ड पैराग्राफ में उसने समझाया कि हमें किसी भी चीज़ से नहीं डरना चाहिए, सभी को क्या फियरलेस रहना चाहिए। फोर्थ पैराग्राफ में उसने बताया सत्य बोलना चाहिए हमेशा, बताया कि नहीं, ट्रूथ का मीन्स क्या होता है, सत्य, सभी को क्या करना चाहिए, एकदम सत्य बोलना चाहिए। ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, जो सत्य होता है ना वो लोगों को फ्री अवस्था में लाता है, जब अपन सच्ची बात बोलते हैं तो सभी क्या होता है, फ्री अवस्था में आते हैं कि नहीं आते। और फिफ्थ पैराग्राफ में उसने बताया वी शैल लिव इन
पीस, हम सभी क्या रहेंगे, शांति के अंदर रहेंगे। लोगों के बीच में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है, जितना भी लड़ाई झगड़ा, लोग उसको एक दिन क्या करेंगे, समाप्त करेंगे और सारे आराम से इंजॉय का मतलब क्या रहे, आराम से मस्त अवस्था में क्या रहेंगे, शांति की अवस्था में रहेंगे। यही अपना फर्स्ट चैप्टर है। पोइट ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए इस पोइट पोएम के माध्यम से। आई होप आप इस पोएम को अच्छे से समझ रहे होंगे। और अब इसके वर्ड मीनिंग्स देखो, फिफ्थ वाले पैराग्राफ के। बार बार बता रही हूँ, नोटबुक के अंदर केवल वर्ड मीनिंग्स राइट करने हैं, पैराग्राफ राइट नहीं करना है। अब देखो इसके वर्ड मीनिंग्स हैं। वर्ड मीनिंग फर्स्ट वर्ड मीनिंग है इसका पीस। क्या है? पीस। क्विरल, क्विरल फ्री स्टेट मतलब शांति की अवस्था में एकदम, क्या होता है, एकदम शांति की अवस्था जिसे बोलते हैं। पीस का मतलब शांति होता है, क्विरल का मतलब पूरा है शांति की अवस्था, मतलब एकदम शांत अवस्था में आ जाना। सेकंड का मतलब क्या होता है, शैल लिव। क्या है सेकंड इसका, शैल लिव मतलब रिमेन, एक जैसा। रिमेन का मतलब क्या होता है, एकदम एक जैसा, ना ही उसमें कुछ परिवर्तन होना, ना ही एकदम वैसा का वैसा रहना। शैल लिव का मतलब होता है रिमेन, रिमेन का मतलब होता है एक जैसा रहना, हमेशा उसकी अवस्था में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आना, उसे बोलते हैं रिमेन। अब ये दोनों अच्छे से आप अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लेना। अब इसके कुछ चूज द करेक्ट ऑप्शंस भी कर लेते हैं, आज कुछ क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो सही ऑप्शन है ना, उसके अंदर क्या करना है, आपको टिक करना है। फर्स्ट देखो, चूज द करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट है अपने पास में अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, वी मेक अस फ्री। अकॉर्डिंग मतलब पॉइंट ने बताया है कि हमें कौन फ्री बनाता है। अभी मैंने आपको फोर्थ पैराग्राफ में बताया था कि अपन को कौन सबसे ज़्यादा फ्री अवस्था में लाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है करेज, करेज का मतलब होता है साहस। सेकंड है पीस, पीस अपन को क्या करता है, बनाता है क्या फ्री, फ्री नहीं बनाता है, पीस क्या देता है अपन को, शांति देता है। थर्ड ऑप्शन है इसका विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब होता है विजय। और फोर्थ इसने दिया ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब क्या होता है, सत्य। क्या होता है, सत्य। फोर्थ पैराग्राफ में अपन ने रीड किया है द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, जो सत्य है वही अपन को क्या कराता है, फ्री अवस्था में लाता है। सत्य से ही अपन क्या कर सकते हैं, सामने वाले को आराम से जीत सकते हैं। जब अपन सत्य, अपने घर वाले भी क्या बोल रहे हैं, सत्य हमेशा बोलना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट वॉट मेक अस फ्री, कौन फ्री करता है अपन को, सत्य ही हमेशा क्या करता है, फ्री करता है। देखो ब्लैक बोर्ड पर लिखती हूँ मैं इसका, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट वॉट मेक अस फ्री। फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास में, फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास में करेज। करेज का मीन्स क्या होता है, साहस। बी, बी ऑप्शन है अपने पास में पीस। क्या है, पीस। सी ऑप्शन है अपने पास में विक्ट्री। क्या है, विक्ट्री। और डी ऑप्शन है अपने पास में, जो अपना सही ऑप्शन है, ट्रुथ। क्या है, ट्रुथ। ट्रुथ ही है ना अपना सही ऑप्शन, ऐसे टिक कर देना उसके ऊपर, ठीक है। अब सेकंड देखो क्या कह रहा है पॉइंट, व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन्स इन सॉन्ग। जो अपन ने पोएम रीड की है उसके अंदर हैंड इन हैंड का मतलब मैंने आपको बताया था। हैंड इन हैंड का मतलब क्या होता है बच्चों, वॉक डाउन द स्ट्रीट, ए परेड, अनटाइडली या मेक ए ट्रिप। अनटाइडली दे रखा है इसका आंसर। देखो ब्लैक बोर्ड पे लिख के समझाती हूँ। सेकंड देखो क्या कह रहा है, सेकंड व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन्स इन द सॉन्ग। हैंड इन हैंड का मतलब आप सभी को मालूम, मैंने क्या बताया था, हैंड इन हैंड का मतलब होता है टुगेदर। अब इसके अंदर देखो ऑप्शंस दे रखे हैं, सबसे
वॉकिंग डाउन द स्ट्रिंग, क्या है वॉकिंग डाउन द स्ट्रिंग। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन है वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब होता है गली, क्या होता है गली। सेकंड ऑप्शन है अपने पास में ए परेड, सी ऑप्शन है अपने पास में अनटाइडली, क्या होता है अनटाइडली। अनटाइडली का मतलब होता है टाइट से हाथ पकड़ के हुए चलना, अनटाइडली का मीन्स होता है अनटाइडली, क्या होता है अनटाइडली। और डी ऑप्शन है अपने पास में लास्ट ऑप्शन मेकिंग ए ट्रिप, ट्रिप का मतलब क्या होता है बाहर घूमने जाना, क्या होता है ट्रिप, मतलब अपन किसी जगह बाहर जाते हैं ना उसे बोलते हैं ट्रिप, अपन पहले से अपन उसका बनाते हैं कि हमें यहाँ जाना है हमें वहाँ जाना है, तो मेकिंग ए ट्रिप। व्हाट डस हैंड इन हैंड मीन्स इन द सॉन्ग, इससे हैंड इन हैंड का मतलब क्या होता है हाथ से हाथ मिला के एकदम साथ में आगे बढ़ते जाना, अनटाइडली। अनटाइडली का मतलब क्या होता है हाथ बढ़ाते हुए हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ते जाना, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा अनटाइडली। अब देखो थर्ड लास्ट ऑप्शन मैं आपको करवा रही हूँ, थर्ड केवल लास्ट है आज इतना ही करवाऊंगी मैं। फिर देखो थर्ड क्या कह रहा है, वॉट डज डीप इन माई हार्ट, डीप इन माई हार्ट का मीन्स क्या होता है मन में है विश्वास, यही मैंने बताया था कि नहीं बताया था। वॉट डज डीप इन माई हार्ट मीन्स, मीन्स पूछा है कि क्या होता है इसका मतलब क्या है डीप इन माई हार्ट का। फर्स्ट ऑप्शन है वॉट आई समटाइम्स होप, क्या है फर्स्ट ऑप्शन वॉट आई समटाइम्स होप, कहीं के बार अपन किसी से आशा रखते हैं ना, वॉट आई समटाइम होप, होप का मतलब क्या होता है किसी से आशा रखना। सेकेंड है वॉट आई थिंक, अपन क्या सोचते हैं, वॉट आई थिंक, थिंक का मतलब क्या होता है सोचना। थर्ड है अपने पास में ऑप्शन, थर्ड है वॉट आई स्ट्रांगली फील, मतलब जो अपन फील करते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, फील का मतलब होता है अंदर से क्या आना भाव आना, वॉट आई स्ट्रांगली फील मतलब अंदर से क्या आना आघट सा आना फीलिंग्स आना, उसे बोलते हैं वॉट आई स्ट्रांगली फील्स, जो अंदर से अपनी बात होती ना वही बाहर निकलना उसे बोलते हैं स्ट्रांगली फीलिंग। वॉट आई लाइक, जो अपन पसंद करते हैं, लास्ट ऑप्शन है वॉट आई लाइक, जो अपन क्या करते हैं पसंद करते हैं वॉट आई लाइक, अपन को क्या पसंद है। देखो पॉइंट फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है वॉट डज डीप इन माई हार्ट मीन्स, मीन्स डीप इन मतलब मन में उससे क्या विश्वास है यही पता ना इसका। देखो फर्स्ट ऑप्शन है वॉट आई समटाइम्स होप, अपन को मन के अंदर क्या आशा है। सेकंड है वॉट आई थिंक, जो अपन सोचते हैं। वॉट आई स्ट्रांगली फील, जो अपन के मन के अंदर जो फीलिंग्स है उसके कैन। ये लास्ट ऑप्शन है वॉट आई लाइक, अपन क्या पसंद करते हैं। मैंने आपको बताया था इसका मीन्स क्या होता है मन में क्या होना चाहिए विश्वास होना चाहिए, तो वॉट आई थिंक जो अपन सोचते हैं इसका यही आंसर होगा ना, वॉट आई थिंक जो अपन क्या करते हैं मन के अंदर सोचते हैं वही क्या करते हैं उसे मन से अंदर जब अपन दृढ़ निश्चय रखते हैं उसी को फिर काम को अच्छे से कर पाते हैं, तो वॉट आई थिंक जो सोचते हैं उसी काम को क्या करते हैं वापस करते हैं। तो डीप इन माई हार्ट का मतलब होता है मन में जितना भी विश्वास हो, वॉट आई थिंक मतलब जो सोचते हैं उसे मन में विश्वास करके उस काम को वापस करते हैं। मैंने आज आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन करवाया है, नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लेना, और जो वर्ड मीनिंग्स करवाए फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ के मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगी ट्रू एंड फॉल्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तब तक के लिए थैंक यू।